अरे अब बांसु बहाने का क्या फायदा, कितना समझाया तुम्हें मगर मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में ना आई। नीलम, क्या जरूरत थी बेटा यूं सरमत को उकसाने की, जबकि वो मारुख भी उसे मना कर रही थी। ताकि मुझे पता चल सके कि उनके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है, और आज साबित हो गया हाल कि उनके नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है। आप तो जानती है ना, मैंने बचपन से सरमत को प्यार किया और उन्होंने उन्होंने मुझे सिर्फ तकलीफ दी है। बेटा ये तकलीफ तुमने खुद अपने हाथों उठाई है, अगर थोड़ा सा भी अपने जज्बाती पन पर काबू रखती ना तो आज सरमत तुम्हारा होता, अपना भी नुकसान किया और मेरा भी। आपका नुकसान? आपका क्या नुकसान हुआ है? है? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे हंसते बसते घर में वो दोनों मनहूस माँ बेटियाँ आकर बैठ गई। जिस कोमल से मैं नफरत करती थी उसकी बेटी वहाँ रह रही है, और तुम जिसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले वो आज घर से बाहर है। अरे मेरा घर मेरा ना रहा, मैं तो वहाँ डर डर के रह रही हूँ, मेरा बेटा मेरा एक बात नहीं मानता और तुम कह रही हो मेरा क्या नुकसान हुआ? अगर आपने किसी को खोया तो नहीं ना खाला, मैंने तो सरमन को भी खो दिया और अपनी होने वाली औलाद को भी। खाला, मैंने जो कोमल के साथ किया ना, शायद उसी की सजा मिल रही मुझे। ए अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, उन्हीं दोनों मनहूस माँ बेटियों की नजरें खा गई मेरे घर को। खैर अब तुम परेशान मत हो, कुछ अरसा ना यहीं रहो, मैं किसी तरह से भी ना सरमत को मनाकर तुम्हें वापस अपने घर ले आऊंगी। मैं छोटे से घर में अकेले नहीं रह सकती, मेरा दम घुट जाएगा। शुक्र करो बेटा, शुक्र करो कि ये मकान मिल गया, वरना तो सर छुपाने को जरा भी जगह ना थी, मारी मारी फिरती रोड पर। और मैं ना सरमत से बात करती हूँ तुम्हारी, ठीक है ना? और नीलम मेरी बात सुनो बेटा, अपने लिए ना कोई नौकरी देखो अपना खर्चा उठाने के लिए, ठीक है ना? और मैं सरमत को मनाने की कोशिश करती हूँ।